देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम काफी देर से दहियों से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत से पॉलिटिशियंस को हमने कवर किया है, बहुत से पॉलिटिकल रैलियां, मीटिंग्स वगैरह ये हम कवर करते रहे हैं। हमने कई सीएम बदलते देखे, हमने कई एमएलएज और मिनिस्टर्स बदलते देखे, लेकिन आज तक ऐसी कंट्रावर्सी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। जब से डोडा के जो एमएलए इलेक्टेड है महराज मलिक, जब से वो इलेक्ट हुए हैं तब से जितनी कंट्रावर्सी हो रही हैं कभी नहीं हो रही थी। आज महराज मलिक यहां तक पहुंचा कि उसने मीडिया को गालियां निकालना शुरू किया। जिस मीडिया ने महराज मलिक को इस जगह पर पहुंचाया, जिस मीडिया ने महराज मलिक को कवरेज दे देकर, जब वो डीडीसी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक आम पॉलिटिकल वर्कर था, उस वक्त से उसको जनाब अली मीडिया कवरेज दे रही है और उसको प्रोजेक्ट कर रही है। हमने भी ये कोशिश की हमेशा कि नौजवान है, अच्छा आदमी है, बोलने वाला है, वोकल है, इसको चाहिए कि इसको आगे बढ़ाए, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि वो फिल्में देख के अपनी सियासत करना चाहता है, वो फिल्मी सियासत करना चाहता है, वो फेसबुक एमएलए बनना चाहता है। हम ये नहीं चाहते थे, हम ये नहीं जानते थे, इसलिए वो धारा से आते थे यहाँ पे और मीडिया वाले उसको जनाब अली जाते थे आगे से और इंटरव्यू लेते थे, उसकी बाइट्स लेते थे, उसको हाईलाइट करते थे पब्लिक में। उसने आज तक मीडिया का भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे डोडा में, डोडा में क्या हर जगह पे उठाया, और उसका फायदा, उसका सिला ये आज दे रहा है। एमएलए बन के उसने ये समझा है कि मेरे पास न जाने कौन सी पावर आ गई है, अब मैं डंडा उठाऊंगा और डोडा वालों को नीचे से मारना शुरू करूंगा, ऊपर तक डंडा चढ़ाऊंगा। ये उसकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं है। उसने मीडिया वालों को आज दल्ला कहा है, उसने मीडिया वालों को चोर कहा है। वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? अगर मैं उसको दल्ला कहूं, अगर मैं उसको चोर कहूं, वो जरा पहले दल्ला जो वर्ड है इसकी मीनिंग निकाले कि ये मीनिंग क्या है उसके। ये दल्ला वो आमतौर से कहता है, बहुत जगह पब्लिक में मैंने देखा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लॉक वालों को कहता होगा, वो ब्लॉक वाले हैं, वो उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको जवाब क्या देना, लेकिन हम जवाब देंगे। हमको दिल पे लगी है कि हमको इसने गाली क्यों निकाली है। हम ये नहीं चाहेंगे किसी सूरत में भी कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। अगर हम में कोई कमी है, वो कोई आदमी मैदान में आके हम में कमी निकाले तो हम मानेंगे, लेकिन जब हम में कोई कमी नहीं है, जब हम हमेशा सोसाइटी का काम करते रहे हैं, जब हम इन एमएलए के इंटरव्यूज, इनके इनके जो व्यूज होते हैं वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमको गाली निकालेंगे। मैं महराज मलिक को चैलेंज करता हूं, पहले वो हमारे मीडिया वालों में से किसी एक को भी दला साबित कर दे, मैं मानूंगा। अगर हम में से कोई दला नहीं निकला, इसका मतलब है वो खुद दला है। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मुझे ये बात बताइए, महराज मलिक जी, आपने किस मीडिया वाले को इनविटेशन दी थी आज के आओ आप मेरा कवर करो यहां पे फंक्शन, जब किसी को आपने इनविटेशन नहीं दी? क्या मीडिया वाले सब कुत्ते हैं, पीछे पीछे चलेंगे आपके? ऐसा नहीं होता है। आपने इनविटेशन देनी थी कि अगर कोई फंक्शन है आपका, अगर आपने की कोई रैली है, आपने इनविटेशन बाजाबता देनी थी। यहां डोडा मीडिया एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन जिसमें 140 मीडिया के लोग डिस्ट्रिक्ट डोडा के जुड़े हुए हैं, ये इस वक्त मैं कह रहा हूं चिनाब वैली में क्या जम्मू प्रोविंस में सबसे बड़ी मीडिया एसोसिएशन है जो जनाब अली यहां डोडा में कलेक्टिवली काम कर रही है। और इस वक्त भी हम सब लोग इकट्ठे हैं, ये आप देखिए पूरा हाल भरा हुआ है यहाँ पे। और सुबह से जनाब अली मुझे फोन आने शुरू हो गए कि आपने इस बारे में क्या किया कि मीडिया के ऊपर जब महराज मलिक ने उंगली उठाई, और सब लोग गुस्से में है, सब लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन हमने चाहा कि हम अपने तरीके से जवाब दें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल नहीं हैं, जाहिलों की तरह किसी को दल्ला बोले, किसी को चोर बोले, किसी को डाकू बोले, हम ऐसे जाहिल लोग नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करेंगे, और हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी जबान को थोड़ा सा साफ कीजिए। अगर आप ब्लॉक वालों के साथ बदतमीजी करते हैं या किसी के साथ करते हैं, वो जाने, वो चुप क्यों रहते हैं हम नहीं जानते हैं वो, लेकिन हमारे साथ जब भी आपने कलाम कलाम करना हो या हमारे साथ, यहां रही जहां तक बात, आपने कहा कि ये जी डीसी के पास थे या कुछ और हो रहा था। अब डीसी के पास हमारा अपना मसला था कोई, हम उस मसले के मुतालिक गए थे, वहां पे कोई फंक्शन हो रहा था, हम भी वहां खड़े हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अपना सक्का नहीं समझते हैं और आपको दुश्मन समझते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, हमारा कोई मसला नहीं है, हमारी कोई पार्शलिटी है ही नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी है और आप छोटे हो, या आप छोटे हो, ये हमारा कोई मसला ही नहीं है। हमने इसमें सोचा, हमारा मीडिया का काम है रिपोर्टिंग करना, और चाहे कोई भी हो,
वो बीजेपी का हो, वो किसी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, वो जनता दल का हो, वो किसी का भी हो, हमने जब भी रिपोर्टिंग की है, जब भी यहाँ कोई वीआईपी आया है, चाहे प्राइम मिनिस्टर आया, चाहे कोई भी आया, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम पार्सल रह के रिपोर्टिंग करेंगे और ना हम कभी करेंगे। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन डोडा की तरफ से यकीन दिलाता हूं इस बात का कि जब भी आप चाहेंगे हमसे मदद चाहेंगे, मदद मीन्स हमसे रिपोर्टिंग चाहेंगे, आप चाहेंगे कि हम कवरेज करें, हम आप तक पहुंचेंगे, चाहे आप कहीं भी हो, हम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। इसी तरह से अगर आपकी जगह कोई और आता है उसके लिए भी हम हाजिर हैं, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, आपको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीका फॉलो करें, पहले जरा स्टडी करें कि कैसे मीडिया को हैंडल करना होता है। ये नहीं होता है कि आप पब्लिक में खड़े होकर कहीं भी दरबार लगाएं और वहां पे गालियां निकालने शुरू करें, ये नहीं होता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मीडिया यूनिट्स जितने भी हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस बात का जनाब सीरियस नोट लें, जो उसने मीडिया को आज गाली निकाली है और मीडिया को दल्ला कहा है, मीडिया को चोर कहा है, उस पर जनाब अली सीरियस नोट ले और इस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर आप जम्मू कश्मीर यूटी को भी मैं जनाब गुजारिश करता हूं कि वो अपने एमएलए को लगाम दें और अपने एमएलए को सिखाएं कि उन्होंने किस तबके के साथ कैसे बात करनी है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये कंट्रोवर्सी आगे भी चलती रहे और हम ये जबान बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जबान एमएलए डोडा ने आज इख्तियार की है मीडिया के लिए, हम ये जबान जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।